Energy Live, a platform to sharing your thoughts. कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। इससे जीवन चर्या अस्त व्यस्त हो चुकी है और मानव के जीवन की रफ्तार धीमी हो गई है। सरकारों की ओर से कोशिशें की जा रही है, लेकिन जो भी देश अभी तक कोरोना से अछूते थे, वहाँ भी कोरोना फैलने से अब मुश्किलें और बढ़ रही है। इससे जीवनचर्या तो प्रभावित हुई है, साथ ही ट्रेड और व्यापार भी सुस्त पड़ गया है। दुनिया भर में व्यापार मंदी की चपेट में था, व्यापार सुस्त था, लेकिन कोरोना ने इसकी रफ्तार और धीमी कर दी। लेकिन यही धीमापन और यही मुश्किलों ने कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ संभावनाएं भी पैदा की है, ख़ास तौर से सोने चांदी के बुलियन कारोबार में। जानकारों की माने तो कीमतों में आई है गिरावट निवेशकों के लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि यदि कोरोना से धीरे धीरे जब भी मुक्ति मिलेगी तो एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमतें आगे बढ़ेंगी और इससे फिलहाल किया गया निवेश आगे एक बढ़ावा मुनाफा साबित होगा। बुलियन मार्केट में वर्तमान हालात और क्या रहेगा भविष्य का रुख, आइए जानते हैं श्री राजस्थान सराफा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष गुप्ता से। ये देखो, जो सोने चांदी में अभी जो बाजार चल रहा है, अभी बीच में चांदी 50,000 रुपए, पिछले 10 दिन पहले 15 दिन पहले 50,000 रुपए चांदी थी, और कुछ कोरोना की वजह से, वायरस की वजह से चांदी में जो एक साथ इतनी टूटत आई, ये 2012 के बाद पहली बार इतनी बड़ी टूटत आई है। और लगभग 35% चांदी के जो भाव गिर गए, लगभग विदेशों के हिसाब से तो ये मान लो कि 1800 सेंट पे जो चांदी चल रही थी, वो अभी 11.5-12 के आसपास सेंट पर आ गई चांदी, काफ़ी मंदी इसके अंदर आई है। और आम ग्राहक के लिए तो बहुत शुभ टाइम है, इसके कोरोना समझो या मंदी समझो या दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड जो मंदी चल रही है, तो इसमें इन्वेस्ट का सबसे बढ़िया टाइम है। और जो गिरावट आई है वो सब बिकवाली की वजह से अभी बाजार गिरा हुआ है। अच्छा, बाजार इस तरह का जो माहौल होता है ट्रेड के लिए इसको बहुत अच्छा नहीं मानते कुलवर, लेकिन इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? इन्वेस्टमेंट ट्रेड के लिए अच्छा है, ट्रेड के लिए जब भाव गिरे होते हैं तो इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्टर जिनके पास एक्चुअली इन्वेस्ट करना है वो तो इन्वेस्ट करते हैं, वो कमाते भी पैसा इसके अंदर, और उनके लिए बहुत अच्छा समय है इन्वेस्ट करने का, इससे बेहतर समय नहीं आ सकता। और जो चीज आप समझिए कि जो ऊंचे में जो 50 सेंट पे जो चांदी बिकी हुई है, वो अगर आपको 12 सेंट पे मिल रही है, 50 सेंट के 12 सेंट यानी कि लगभग 25% ऊंचे से नीचे पे आ गई है, तो वो बहुत मायने रखती है। ये सब चांदी में तो कम से कम इन्वेस्ट का बहुत बढ़िया समय है। अच्छा, इसका स्थानीय बाजार पर क्या असर है? स्थानीय बाजार में अच्छी ग्राहकी, इस समय बहुत अच्छी ग्राहकी, स्थानीय बाजार में खपत काफी लोग आ रहे हैं, उमड़ रहे हैं लोग, और चांदी की खरीदारी में बहुत लोग खरीदारी कर रहे हैं। अब आगे क्या रुख नजर आता है आपके? आगे चांदी के सोने में तो वापस, जैसे अभी ये टेम्परेचर अगर 30 डिग्री के ऊपर हो जाएगा तो हो सकता है कोरोना जो वायरस है इसका असर कुछ कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे वापस मार्केट सब सुधरेंगे, बाजार भी सुधरेगा, मार्केट भी सुधरेगा और वापस अपने जगह बाजार आ जाएंगे। लेकिन सब कुछ कोरोना पर डिपेंड है? हाँ, डिपेंड कोरोना पर बिल्कुल, आप क्योंकि पूरे विश्व में जो मंदी आई हुई है कोरोना की वजह से मंदी आई। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।